नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कानपुर में कोठी घाट पर नदी में नहाने के दौरान 6 लोगों के डूबने की खबर सामने आई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। 4 युवतियां और 2 युवक के नदी में डूबने की बात बताई जा रही है। बता दें कि लड़कियों को डूबता देख युवकों ने छलांग लगाई। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। ग्रामीण गोताखोर डूबे लोगों की तलाश में जुटे हैं, जिसमें एक युवक को बचाया गया है, वहीं 5 लोग अभी भी लापता हैं। शासन की मंशा के मद्देनजर गंभीर अपराधों में अपराध से अर्जित की गई संपत्ति की जब्त के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला मजिस्ट्रेट सुल्तानपुर के नेतृत्व में और पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के साथ अपर पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में थाना दोस्तपुर क्षेत्र के गोरई निवासी शातिर अपराधी राम सागर यादव के अपराध से अर्जित करीब 7 लाख की संपत्ति को भारी पुलिस बल के साथ जब्त किया गया। तो युवक के इस खौफनाक कदम को देखकर घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी है। करीब 2 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद भी युवक का कुछ पता नहीं चल सका है। बता दें कि युवक ने मौत को गले लगाने से पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस में प्रेमिका से नाराज होकर जान देने की बात कही है। सीतापुर के थाना मशरेहटा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ट्रक चालक को दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। वहीं मौजूदा लोगों की माने तो दबंगों ने 200 मीटर तक चालक को दौड़ाया। ट्रक चालक अपनी जान की भीख मांगते हुए भाग रहा था। इसके बावजूद दबंगों ने ट्रक चालक के शरीर पर कई जगहों पर वार किया, जिसके बाद ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के पास से ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किया है। पुलिस ने मृतक के परिवार के लोगों को इसकी सूचना दी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज लगभग 7:45 थाना मछरेटा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है जिससे कुछ लोग मार रहे हैं, झगड़ा उससे मारपीट हो रही है सदना रोड पे। हमारे SHO हमारे क्षेत्राधिकारी मौके पे आए। जानकारी हुई कि यहाँ पे एक महिला थी, एक व्यक्ति था और एक व्यक्ति और था जिससे मारपीट लोगों की हो रही थी, उसके संग मारपीट हुई है। बाद में खोजबीन हुई तो सड़क किनारे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसको हथियार से उसको मारा गया था। और जानकारी करने पता लगा कि उसका झगड़ा एक पुल है करीब, यहाँ से 200 मीटर दूर है वहाँ आरंभ हुआ। इसका चप्पल वहीं पड़ा हुआ है और हसीये या बांका से इसके हाथों पे प्रहार किया गया। बचते हुए भागा यहाँ पे और बाद में यहाँ आके गिर गया, जहाँ इसकी मौत हो गई।
कोतवाली शहर पुलिस ने एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया। पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रोक जमाने वाला फर्जी सिपाही अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। यूपी पुलिस की फर्जी खाकी वर्दी पहनकर जमाने को रौब दिखाने वाला फर्जी सिपाही पुलिस ने घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपी ने बताया कि मुझे कोई भी किराए पर मकान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मैंने बिजनौर की दुकान से फर्जी खादी वर्दी खरीद कर लोगों पर रौब दिखाने की कोशिश की। आज प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि शांति विहार कॉलोनी के मंदिर के पास एक कांस्टेबल खड़ा है, जो कि मंदिर पे आने जाने वालों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। इसका आचरण ठीक नहीं है। इस सूचना पर जब इंस्पेक्टर कोतवाली को और उनकी टीम को वहां भेजा गया, तो जो व्यक्ति वहां खड़ा था पुलिस की वर्दी कांस्टेबल की पहने, पूछताछ करने पर उसने अपना नाम शिवा कुमार बताया। शांति विहार कॉलोनी में ही किराए का कमरा लेके इस समय रहता है। वो फर्जी तरीके से वर्दी उसने लोगों पर रोक बांटने के लिए बनवाया था। सुसंगत धाराओं में कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। कहते हैं, अगर मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो कोई भी बाधा ज्यादा देर तक रास्ता नहीं रोक सकती। अक्सर आपने सुना होगा कि ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होता है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों अधिकारियों के चक्कर लगाया करते हैं। लेकिन इसका उलट देखने को मिलता है सीतापुर में। थाना कसमंडा के ग्राम पंचायत बरेठी में उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों पर विद्यालयों का सौंदर्यीकरण कायाकल्प के तहत सराहनीय कार्य किया गया। प्रधान द्वारा किए गए कार्यों के अधिकारियों ने एक बैठक में प्रशंसा की और प्रधान को अच्छे कार्य को लेकर अपने हाथों से सर्टिफिकेट भी दिया है, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की है। ऐसा है, श्रीमान जिला अधिकारी महोदय सीडीओ साहब महोदय द्वारा जो 19 पैरामीटर पर प्राथमिक और जूनियर स्कूलों को कायाकल्प करने के लिए निर्देश दिए गए थे, वो हमने अपने विकास खंड कसमंडा के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरेठी में 1900 पैरामीटर पर पूरे पर हमने काम किया है। बाउंड्री वॉल है, बालिका और बालक का शौचालय है, विकलांग शौचालय है, इंटरलॉकिंग है, वॉल पेंटिंग है, बाउंड्री वॉल है और टाइल्स है, पेंट है, पुट्टी है, सारे हमने काम किए हैं। सीतापुर के एनसीपी जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने जनता से अपील की है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में यात्रा करने से बचें, जीवन बहुमूल्य है, ट्रैक्टर ट्रॉली को केवल कृषि कार्य में ही इस्तेमाल करें। प्रवीण सिंह ने बताया कि चाहे घटना कहीं भी हो, ये बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। सरकार को ट्रैक्टर ट्रॉली में यात्रा पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा देना चाहिए और आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस सक्रिय हो जाए तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। अगर कहीं भी ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को आरटीओ पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी सभी से प्रति संवेदना है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने का काम सरकार करे। हमारे सबसे पहले तो ये जो कानपुर, सीतापुर और लखीमपुर में जो सड़क हादसा हुआ, इन लोगों के तक जो मृतक परिवार उनको खोज संवेदना है और ईश्वर से कामना है कि इनकी आत्मा को शांति दे और इनको इनके परिवार को ये शक्ति दे, ये सहन करने की शक्ति। दूसरे, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से सबसे पहले मांग ये है, जो ये ट्राली ट्रैक्टर से लोग जाते आते हैं, ये कैसे जाते हैं जबकि कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर ट्राली है, ये कहीं ना कहीं इसमें आरटीओ और जिला ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत। आगरा के आर मधुराज अस्पताल में आग लगने की खबर सामने आई, जिसमें 2 की मौत हो गई है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को सकुशल बाहर निकाला गया। वहीं अस्पताल के 3rd तल पर अस्पताल संचालक का परिवार रहता था और इसी क्रम में अस्पताल संचालक के बेटे और बेटी का दम घुट गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आगरा एसएसपी मौके पर मौजूद रहे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा में ऐसे कई अस्पताल हैं जिसमें फायर एमसी नहीं है। मथुरा पुलिस ने ट्रिपल मर्डर का खुलासा किया है। 2 बच्चों सहित महिला का मर्डर हुआ था, 3rd पति ने हत्या की प्लानिंग की थी। नाले में मथुरा पुलिस ने पति के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। 2 बच्चे और एक महिला हत्या करवा कर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि महिला की ये 3rd शादी थी, उसके 2 बच्चे थे और तीसरा पति उन बच्चों के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो उन्हें छोड़ने को कहता था। इसी बात पर दोनों में बहस होती रहती थी, इसी वजह से हत्या की प्लानिंग की गई।
अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के जाम रोड पर तेज रफ्तार ब्रिज सवार अनियंत्रित होकर मवेशी से टकरा गया। टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं टक्कर से मवेशी की भी मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वाले इंडिया के साथ।